ऑयल बहुत ही ज़्यादा कचरा है। राम राम जी। इंजन ऑयल खोल दिया, इंजन में गंदगी दिखी, इंजन फ्लस करने की सोचा। इंजन फ्लस बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ से करते हैं, इंजन फ्लस हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन हुआ, मिट्टी का तेल करते हैं। हमने भी 3 लीटर डीजल से डायरेक्ट फ्लस कर दिया, तो बहुत सारे लोग यानी 50% लोगों ने ये कहा कि गलत तरीके से आपने फ्लस किया है, 2 लीटर डीजल और 1 लीटर इंजन ऑयल मिक्स करके तब फ्लस करिए। इंजन ऑयल खोल दिया, दोनों मिक्स करने वाले कीप दे दो। ये है डीजल, चैम्बर नट टाइट कर दिया हमने, डीजल डालेंगे। ये 2 लीटर चुकी डीजल है, दो लीटर डीजल हो गया, हटाओ इसे। इंजन ऑयल डालेंगे 1 लीटर, और हम तो देखो वैसे भी गाड़ियों में हम लोकल ऑयल नहीं डालते हैं, लेकिन फ्लस करने के लिए वो भी साला इंजन ऑयल भी ओरिजिनल डाल रहे हैं, और 629 रुपये का खाली इंजन ऑयल डाल रहे हैं। सोचो फ्लस के लिए भी लोकल यूज कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनली जेन्युइन डालने का आदत बना हुआ है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कुछ फरेब है, ये सील दिखाओ, क्लियर करो, ठीक है। हाँ, वो वाला काम नहीं है, तो इंजन ऑयल भी हम जेन्युइन डाल रहे हैं। सोचो फ्लस के लिए ऐसा तेल यूज कर रहे हैं, तो वैसे सर्विस के लिए कैसा होगा। अब ये भी डाल देंगे हम इंजन के अंदर, और वो भी फुल्ली सिंथेटिक भाई, हल्का वाला हल्के में मत लेना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आने दो बात। वो भी फुल्ली सिंथेटिक डाल रहे हैं इंजन ऑयल, अब देखते हैं कि क्या कमाल करता। बहुत सारे लोगों ने कहा यार 3 लीटर मत डालो डीजल, 2 लीटर डीजल डालो, 1 लीटर इंजन ऑयल डालो। लो भाई, मैंने डाल दिया 2 लीटर डीजल और 1 लीटर इंजन ऑयल। अब कहते हैं इससे फ़ायदा होता है, तो हम जानेंगे पूरी वीडियो में, इंजन खोलेंगे और देखेंगे फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा फ़ायदा होगा, लेकिन नुकसान को छोड़ के, पर देखते हैं बहुत सारे लोग करते हैं। अब गाड़ी को स्टार्ट करो, चलो। पास में आओ, आवाज़ नोटिस करना। 15 मिनट इसको स्टार्ट करके, 15 मिनट नहीं 10 मिनट, 10 मिनट बहुत है। बिना रेस दिए कोई रेस नहीं देंगे, कोई एक्सीलरेशन नहीं करेंगे, 10 मिनट स्टार्ट करके रख के, और फिर इंजन उतार के देखेंगे कि इंजन के अंदर क्या क्या नुकसान किया कि नहीं। बहुत सारे लोगों को बहम है कि यार फ़ायदा करता है, पर आज रिसर्च ही कर लेते हैं, इंजन किसी और कारण से खोलने वाले हैं हम, ठीक है। तो आज पूरी रिसर्च करेंगे, घड़ी का टाइम से देखो 10 मिनट जैसा हो जाए बंद कर दो। तो हम एक छोटा सा रिसर्च करेंगे, इससे पता पड़ जाएगी कि हमें डीजल से फ्लस करना चाहिए कि नहीं। तो पूरे 10 मिनट हो गए, बंद कर दो। इंजन ऑयल खोल के दिखाओ मेरे को, चेक कराओ साफ तसले में। अभी ड्रेन करवा दिया है हमने ये डीजल, अब देख सकते हैं कलर तो इसका चेंज हो गया है। अभी बोतल में डाल के देखते हैं क्या कहानी है। चलो चलो दूसरा भरो। तो ये कुछ इस तरीके से निकला है, भर रहे हैं दूसरे डब्बे में, क्योंकि हमने 3 लीटर डाले थे। मैं कचरा देखूंगा कि कचरा क्या है, लोहा का कड़ वड़ कुछ काटा है क्या, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। मैं लगे हाथ की मजे आ जाएंगे कि पता है। चलो 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 डालो अच्छा भर गया, यानी देखे फिर भी, अरे कचरा को जरा तो कुछ निकला नहीं। हाँ जी है, अच्छा कितने का नहीं है कुछ भी भाई। हमने ड्रेन कर दिया, बोतल में भर दिया, बोतल की स्थिति आप देख सकते हैं कैसे काला किया है, यानी काटा तो मलबा बहुत है, लेकिन इंजन में नुकसान हुआ है क्या, ये चीजें भी चेक करते हैं। इंजन को उतारो, क्या कहते हो, उतार दो, बखेर दो फटाफट। चलो बंद करो कैमरा, उतारो। ठीक है चलो खोलो भाई। इंजन तो उतार दी, अभी यहाँ गियर को निकाल रहे हैं, और भाई गियर को निकाल के इंजन को जो ना बाहर ले चलो, वहीं अर्टिगा के पास में, ठीक है। इतना नहीं फर्क पड़ा है जितना प्योर डीजल से पड़ा था, पर इसमें ऑयल मिक्स कर लिया ना, इसने काम नहीं किया डीजल ने बिल्कुल ही। तो क्या 2 लीटर डीजल और 1 लीटर इंजन ऑयल भी यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो फाइनल में बताऊंगा एंड में। पूरा इंजन बखेर लिया, अब देखते हैं क्या नुकसान है क्या फायदा, क्लीन किया कि नहीं किया, कि खाली चोंच ले बताने की बात है। आ जाओ पास में आओ, ये टेपिड कवर है ये, और टेपिड कवर में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये देखो ये लेयर है जो ये बिल्कुल भी नहीं छूटी है, देख सकते हैं आप, देख रहे नहीं, ये लेयर
ये देखो हाथ से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ ये लेयर देख रहे हैं ना, ये लेयर है जो नहीं छूटा है, और कहाँ जहाँ जहाँ छूट गया वहाँ वहाँ हट गया, लेकिन काफी जगह लेयर नहीं छूटा है, अंदर में लेयर है अभी। तो ये डीजल किसी काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं हुआ इससे, इसको हटाओ साइड में, आ जाओ हेड में आ जाओ। ये हेड की स्थिति देखो, पूरा प्योर डीजल डाला तो क्लीन किया था, लेकिन वो बैरिंग को नुकसान किया था, लेकिन अब की बार प्योर डीजल नहीं डाला तो देखो क्लीन ही नहीं किया इंजन को, यानी बिल्कुल भी काम नहीं किया डीजल ने, यानी इसका काम खत्म हो गया खाली ऑयल मिक्स करने से। इधर आ जाओ, ये देखो, देख रहे हो ना स्थिति, केम को देखो, यहाँ थोड़ा सा मेरे को केम में लगा है बस गड़बड़, और वो भी जराक जराक सा स्क्रैचेज आ गए इस पर। ये देखो एक ये वाला पीस है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, क्लियर दिख रहा है, ये वाला बस स्क्रैच मार दिया, एक थोड़ा सा हल्का सा ये पकड़ लिया है, और एक हल्का सा ये स्क्रैच मार दिया बस। अब ये है टाइमिंग प्लेट जिसको बोलते हैं ऑयल पंप, और पहले इंजन तो हो चुका है, लेकिन डीजल और ऑयल मिक्स किया तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। ये देखो हाथ से साफ हो गया ना, देखो हाथ से बढ़िया साफ कर दिया, लेकिन डीजल और ऑयल मिक्स करके नहीं साफ कर पाया इसको। यहाँ देखो, ये देखो नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं है कुछ इसमें केमिकल मिला के साफ कर रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, इतना ही साफ करना था, जो कि ये डीजल और ऑयल मिक्स करके बिल्कुल भी काम नहीं किया है। ये ऑयल सीले देख रहे हो ना, ये क्या यार, लोग कहते हैं काम करेगा, घंटा काम करेगा, बिल्कुल भी काम नहीं किया, पैसे और टाइम दोनों बर्बाद हो गए। ये देख रहे चिकट स्टैंडरों पे, ये चिकट, ये देखो क्लियर करते ना जरा, ठीक है, ये चिकट, अरे क्या यार, इससे बढ़िया कोई फ्लफ यूज कर लेते, इससे बढ़िया भाई कोई फ्लसी यूज कर लेते, वेस्टेक वे बी सेफ का, या कोई भी फ्लस यूज कर लेते ना तो वो इससे बढ़िया काम करता, लेकिन ये जो है डीजल ने तो बिल्कुल काम नहीं किया, तो स्टेनर बिल्कुल वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। इधर आ जाओ, ये चैम्बर देखो, थोड़ा सा हल्का सा जराक सा इधर इधर तो रहता ही है, क्योंकि ऑयल जमा इसमें रहता है, तो ये इतना बस चमकाया, बाकी तो सारा जहाँ जा गया है ये कुछ चमकाया नहीं। ये देखो हल्का सा हाथ मार रहा है तो बढ़िया चमक रहा है, देखो देख रहे हो ना, लेकिन इसको प्लस चमका देता इंजन, प्लस इसी चीज को कामयाब कर देता जो कि डीजल और ऑयल मिक्स करके कामयाब नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल काम नहीं किया, जो कि ये उसमें फुल डूबा रहता है। चलो इसको हटाओ, इसको हम इस पर बहस नहीं करेंगे, ब्लॉक में बिल्कुल काम नहीं किया ये तो, इससे बढ़िया तो डीजल था रे, करे अंकित डीजल तो बढ़िया चमक गया था, लेकिन डीजल और ऑयल मिक्स किया तो बिल्कुल चोचलेबाजी है, काम ही नहीं किया, ये टाइम भी बर्बाद हो गया हमारा यार। चलो कोई बात नहीं, ये तो काम नहीं किया, इधर से दिखा लो एक बार, इधर काम किया क्या? अबे कहीं भी काम नहीं किया बे, क्यों बेकार ही है फिर तो यार, डीजल और ऑयल मिक्स करके तो बिल्कुल भी काम नहीं किया, यानी ये पतला लेयर को भी हटा नहीं पाया, तो फिर फायदा क्या यार, हम क्यों 400-500-700-800 रुपये बर्बाद किए इस फ्लस पे, इससे बढ़िया 300 का फ्लस डाल देते, एक नंबर क्लीन कर देता। अब आ जाओ मेन पॉइंट पे कि क्या नुकसान क्या किया, अभी तो साफ तो नहीं किया लेकिन नुकसान क्या किया है वो मेन पॉइंट को समझ लेते हैं। थर्स वार्सल, चलो ये तो बच गया थर्स वार्सल, ये ठीक है, थर्स वार्सल पे कोई इफेक्ट नहीं किया। बैरिंग तो देखो हमें बदलना ही होता है बैरिंग हर हाल में, इसीलिए मैंने टेस्ट भी किया, बैरिंगों पे हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ा है बस। ये देखो ये वाली बैरिंग पे, ये देखो हल्का, ये तो बैरिंग सही भी हो खराब भी हो, मुझे इंजन करता हूँ तो मैं चेंज करता हूँ, हल्का सा फर्क पड़ा है बस, लाइनिंग जो है वो आई है हल्की सी इस पे, बहुत माइनर, चूंकि हमने रेस भी नहीं दिया था। ये देखो बहुत माइनर पकड़ किया है, जो अभी हाल फिलहाल ही करना शुरू किया था, और एक दो बार रेस दे देते ना तो इसका खेल खत्म था, ये सीज हो जाता है। ये देखो बहुत लाइनिंग दिखाओ, दिख रही है ना लाइनिंग पूरी क्लियर, क्या कहते हो? ये देखो लाइनिंग देख रहे हो ना, ये लाइनिंग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 0-0 होना चाहिए, पर इसमें सब में लाइनिंग आ गई है, ये लाइनिंग नहीं पड़ना चाहिए बिल्कुल ही, जो कि ये पड़ रही है, ऐसे धूप से दिखा दियो जरा क्लियर करके एक बार,
ठीक है, और इसी वजह से हम डीजल से फ्लश नहीं करते हैं। अब ये देखो बिगन को कितना तगड़ा नुकसान किया, ये देख रहे हो ना गड्ढे, ये उधेड़ दिया। लाइट बढ़ा लेगा क्या पूरे मोबाइल का, ये देख रहे हो ना गड्ढे, ये पूरा उधेड़ दिया। और एक पिस्टन में नहीं, ये तो इसको हटाओ साइड में, ये तो बहुत माइनर किया है इसमें हल्का सा, पर अब मैं दूसरा दिखाता हूँ उसमें हार्ड किया है। ये देखो इसमें भी यही नुकसान के लिए हम नहीं करते हैं डीजल से, और कोई बात नहीं है। ये बैरिंगों को जो है ना एक डैमेज करता है, क्योंकि इन बैरिंगों को एनी टाइम ऑयल चाहिए ही चाहिए हलान। ये देखो बैरिंग ही उखड़ गया पूरा, देख रहे हो ना कैसे उखड़ गया, और स्क्रैचेज देखो, ये ऐसे महसूस करने से पता पड़ रही है स्क्रैचेज कितनी है। ये देखो यहाँ उखड़ गया ये सारा, इसीलिए तो हम डीजल से फ्लश नहीं करते हैं। और लोगों से भी कहता हूँ मत करो यार, इससे बैरिंग नुकसान करती है। यहाँ हाथ फील हो रहा है, यहाँ कटा है कुछ, और हाल फिलहाल कटा है वो चमक से पता पड़ रही है। एक क्रैंक की लाइनें दिखाओ, अच्छे से दिखाओ, आप लाइन दिख रही है ना पूरी बढ़िया से, देख रहे हो कितनी स्क्रैचेज। एक ये स्क्रैचेज होना नहीं चाहिए, हम किसी और रीजन की वजह से खोल रहे हैं इस इंजन को, इसलिए मैंने करा चलो एक छोटा सा इस पर डाल के देख ले। ये देखो, देख रहे ना ये स्क्रैचेज, तो ये स्क्रैचेज की वजह से ये स्क्रैचेज आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो इसलिए डीजल तो कोई फायदा, ये तो इस पर ज़्यादा हुआ है, ठीक है इस पर ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पहले से हुआ होगा, दिख जाता है नया नया क्या है, पहले वाला चक्कर नहीं है ये। देखो इंजन जब करता हूँ मैं तो ये बिगन विगन सारे मैं बदलता हूँ, ये देखो ये भी बदलूंगा, ये सारे बैरिंग को बदलूंगा, मजबूरी है मेरी, एक नंबर का मैं करूंगा, 5 साल 6 साल तक देखने की जरूरत ना हो, बदलना ही होता है हमें। लेकिन हम जो डीजल डाल के चेक किए ना, तो सिर्फ ये बैरिंग खराब हुआ, तो ये तो बदल रहा हूँ पहले ऑलरेडी, अभी खराब हुआ तो भी मैं बदलूंगा इसको, इसको हटाओ, पर भाई कोई फायदा नहीं हुआ है, नुकसान छोड़ के कहीं से कहीं तक भी दूर तक भी कोई फायदा नहीं दिखा है। ऑयल खाली मिक्स किया तो पिछले वीडियो में खाली डीजल से फ्लश कर दिया, टाइगर एक मिनट, तो उससे तो थोड़ा बहुत फायदा हुआ, लेकिन अब की बारी डीजल के अंदर जो मिक्स किया ना ऑयल, उससे बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। तो मैं दूसरा जो टेंडर है कि 1 लीटर डीजल और 2 लीटर इंजन ऑयल, तो उस टेंडर को तो मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि कोई फायदा नहीं, दिख गया ऑयल मिक्स किया मतलब खेल खत्म है, क्लीनिंग का कोई चक्कर नहीं है, और नुकसान किया है, नुकसान के अलावा कोई भी फायदा नहीं दिखा हमें। तो इसलिए भाई सबसे मैं बोल रहा हूँ डीजल और ऑयल मिक्स वाला जो सिस्टम है ना, उसको तो खत्म करो, वो तो किसी काम का नहीं है, उल्टा नुकसान है उससे। आपको इंजन फ्लश करना है तो आप इंजन फ्लश से कीजिए, जो स्पेशल फ्लश आते हैं किसी भी कंपनी का ले लो, वो उसमें लिक्विड होता है, केमिकल होते हैं, वो इसको बढ़िया से अच्छे से क्लीन करते हैं और हमारे बैरिंगों को नुकसान भी नहीं करते। तो इंजन फ्लश से कीजिए, ना कि डीजल पेट्रोल केरोसिन डाल के कीजिए, उससे हमारी गाड़ी का इंजन का प्रॉब्लम है, उससे बैरिंग कटती है, इंजन में नॉइजी होने का चांस है, इंजन में साउंड आने का चांस है। तो ठीक है, यही था छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को देना था। अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर मार दीजिएगा दबा के, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दिल करे तो, ऐसे ही छोटा मोटा वीडियो आता जाता रहेगा। ओके थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दिल से थैंक यू।